है आपका नाम लिव स्टडी में, और आज की इस वीडियो हम बताएंगे कि आपको डेट तो याद होती होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट डेट हो, यदि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर स्टडी कर रहा हूँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको कई सारी डेट्स मिली होंगी जो जिनमें इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ घटना घटित हुई होंगी, इंसिडेंट हुआ होगा, तो उन डेट में कौन सा डे था क्या आपको पता है, उनको भी आप निकाल सकते हैं। और ये यदि आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम कर रहे हैं तो रीजनिंग का एक चैप्टर होता है कैलेंडर, उसमें भी ये चीज बताई गई है। और यदि आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए सब चीज जानना बहुत ही आसान है, और आप इसी से भी पता कर पाएंगे कि आप यदि पानीपत का जो वॉर हुआ था वो डे कौन सा था, उस दिन डेट तो आपको याद होगी, आज जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस दिन कौन सा डे था, और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस तारीख को कौन सा डे था, ये आप आराम से कुछ कोड्स को याद करके, और कोड्स याद करने वाला नहीं है, रटने वाला नहीं है, बहुत ही इजी है। बच्चियों ने, छोटी-छोटी बच्चियों ने, बेटा आपको याद है ना, यस बच्चियों ने तब याद कर लिया, छोटे-छोटे बच्चों ने, थर्ड क्लास का सेकंड क्लास का बच्चा निकाल सकता है, और यदि कोई स्टडी नहीं भी कर रहा हो तो भी जनरल वो डे निकाल सकता है, बस कुछ कोड को इजी याद करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे निकालते हैं हम डे को। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये तो पता होगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक अल्टरनेटिव मंथ आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, एमपी बोर्ड वाले जनवरी फरवरी सेमी, ठीक है। अब हम कैसे पता करें कोड्स क्या है, तो इजी है, यदि आपको ड्रायर का स्क्वायर याद हो तो 144 होता है, मंथ तो अल्टरनेटिव आते हैं, कोई गैप तो होता नहीं है, तो ये भी मैंने अल्टरनेटिव ही लिखे। आप देखो, सबसे पहले 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर, उसका 025 लेना, 0 लेना है ना, बीच में देखो 144 फिर 025 5 का स्क्वायर है, फिर 036 6 का स्क्वायर है, और लास्ट में क्या करना, लास्ट के 3 मंथ बचे कौन से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें क्या करना है, 12 का आपने 144 स्क्वायर लिया था उसमें 2 प्लस कर दो, 144 लास्ट में 146, इजी है क्या, रटना पड़ा, रटोगे, देख लो फिर से 144 12 का स्क्वायर, 025 036 और लास्ट में 144 में 2 प्लस कर दो 146, इजी है ना, ठीक है, 144 025 036 और 146 बहुत इजी, अल्टरनेटिव भी तो आते हैं मंथ, आगे पीछे थोड़ी होता है कि हम भूल जाएंगे, बहुत इजी है। चलो उसके बाद एक चीज और कि आप देखो सेंचुरी निकालना, सेंचुरी तो कोई ना कोई से पड़ेगी, यदि आप 1947 निकाल रहे हो 19 सेंचुरी पड़ेगी, यदि आप निकाल रहे हो 2000 का तो 20 सेंचुरी पड़ेगी, तो उन सेंचुरियों के भी कोड हैं, वो भी बहुत इजी है, कितने सारे कोड याद कर, अरे बहुत इजी है जे वाला, टफ था क्या, बच्चों को याद हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओ क्या, चलो ये वाला देखते हैं, 15 सेंचुरी का यदि आप निकालेंगे तो 0, 16 सेंचुरी का निकालेंगे तो 6, अगली 17 का निकालेंगे तो 4, फिर निकालेंगे 18 का तो 2, फिर उसके बाद 19 का निकालेंगे तो 0, फिर कंटिन्यू, ये अल्टरनेटिव चलेंगे, क्या नहीं इसके बाद या इसके पहले का नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं ना, कोड तो देखो 0642, फिर 0642, इसके बाद 2022 है, 22 है सेंचुरी, 23 में फिर 0, 24 में फिर 6, 25 में फिर 4, ऐसे अल्टरनेट चलेंगे 0642, इसके पहले भी ऐसे चलेंगे, है ना, इसके पहले भी निकाल सकते हो 14 11 10 9 8 7, किसी के भी निकाल सकते हो, बस जस्ट ये कोड को रिपीट कर देना पीछे, ठीक है, ये होगा सेंचुरी कोड, ये होगा मंथ के कोड, इजी थे, तब याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी ये देखो, मंथ आपके वीक्स के संडे से स्टार्ट करना और लास्ट में सैटरडे पर रुक जाना, संडे से स्टार्ट करना, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब 1 से लेना कोड, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में सैटरडे को 0 मान लेना, ठीक है, कोड इजी है, 1 2 3 4 5 6, सैटरडे को क्या मानना, 0 मानना, तो ये भी टफ नहीं हो गए। अब देखो फॉर्मूला, डेट प्लस ईयर प्लस मंथ प्लस सेंचुरी प्लस लीप ईयर, डेट निकालो वो ही होगी, ईयर बताऊंगा मैं, मंथ दिया गया होगा, सेंचुरी 1947 बोला तो 19 सेंचुरी, 2022 बोला तो 20 सेंचुरी, और लीप ईयर कैसे निकालिए, देखो मान के चलो यदि हमें कोई डेट निकालना है 2022 24 में निकालें, 23 में निकालना, ठीक है, हमें लीप ईयर तो इन्हीं लास्ट के दो डिजिट में मिलेंगे ना, इसमें 2020 सेंचुरी में थोड़ी मिलेंगे, लास्ट के दो डिजिट में मिल जाएंगे ना, इसीलिए। अब निकालेंगे कैसे लीप ईयर, लीप ईयर निकालने के लिए हमेशा हर साल में
चार साल में एक बार आता है, एवरी फोर ईयर में आता है, तो फोर से डिवाइड कर दो। लास्ट कितना नंबर उठा? 23। फोर से क्या करो? डिवाइड करो। फोर फाइव जा 20। क्या बचा? हमें मतलब नहीं। जो बचेगा उससे मतलब नहीं है। ये अब थ्री से डिवाइड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। पॉइंट लेना नहीं लेना, हमें मतलब है इससे। फाइव टाइम पढ़ रहा है 2000 से स्टार्ट, 20 सेंचुरी स्टार्ट हुई थी ना, तो 23 तक, ईयर 23 तक फाइव टाइम लीप ईयर पढ़ा। कैसे? सबसे पहले पढ़ा हो 2004 में, फिर पढ़ा हो 2008 में, फिर पढ़ा हो 2012 में, फिर 16 में, फिर 20 में, हुआ फाइव टाइम। ऐसे भी निकाल सकते हो। जनरली जब लीप ईयर निकालो तो आपको डिवाइड में जो आंसर आया ना उससे मतलब है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। ठीक है, लीप ईयर निकालना सीख जाए। आप देखो अभी डेट लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो देश आजाद हुआ था 1947 को, वो डेट लेते हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947। तो देखो कैसे निकालना है, बहुत इजी है, देखना है आंसर। डेट, डेट क्या है? 15, तो मैंने 15 लिख दिया। प्लस ईयर क्या है? ईयर है आपकी 47। लास्ट के दो नंबर लो ना, सेंचुरी मतलब थोड़ी है अभी। लास्ट के टू डिजिट 47। मंथ, मंथ क्या है? अगस्त था, तो अगस्त का कोड देख लो। अगस्त का कोड क्या? 3 है, इजी है, 3। प्लस सेंचुरी 1947, तो बोलने में क्या रहा? 1940 सेंचुरी का कोड क्या? 0। प्लस लीप ईयर, लीप ईयर अभी 47, लास्ट 1947, तो 47 ईयर तक कितने लीप ईयर हो? लास्ट के टू डिजिट को उठाओ, 4 से डिवाइड कर दो, 4 बन जा 4, बच रहा है 3, उससे मतलब नहीं है हमें। हमें किससे मतलब है? जितनी बार डिवाइड किया 11। तो 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, 47 ईयर तक कितने लीप ईयर पड़ रहा है? 11 पड़ रहा है, तो 11 लिख लो। चलो प्लस करते हैं। और डिवाइड किससे करना है? 7 से। क्यों करना है? क्योंकि 20 में 7 डेज ही होते हैं। 15 4 19 15 3 18 18 और 11 हो गए कितने? 18 11, और क्या बचा? 47 प्लस कर लो, 7 और 15 16 6 क्या आ जाएगा? 4 1 5 6 7 76। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से समझना। लास्ट में जब इनका सम आ जाए ना, उसको डिवाइड 7 से करना है, तो करो 7 से डिवाइड, 7 10 जा 70। यहां जितनी बार डिवाइड जा रहा उससे मतलब नहीं, लीप ईयर में डिवाइड से मतलब था, यह रिमाइंडर से मतलब है। कैसे? मैं से डिवाइड करके बता देता हूं, 76 को डिवाइड करा जब 7 से, तो 7 10 जा 70, बच रहा 6। आगे तो नहीं होगा, होगा लेकिन पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता आपको। तो जो रिमाइंडर बच गया, अब नहीं जा रहा, ये छोटा है इससे, तो ये बचा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 6। बस आ गया आंसर। इस 6 क्या है? यहां 6 को क्या पढ़ा था? फ्राइडे। चेक कर लो 15 अगस्त 1947 को क्या पढ़ा था? फ्राइडे। एक और करके देखते हैं अपन। तो आई डेट बताओ क्या? 10 अप्रैल 2007। 10 अप्रैल 2007 निकालते हैं। 10 अप्रैल 2007। देखो डेट क्या है? 10 लिख दिया मैंने। ईयर क्या है? 7। तो 2007 तक नहीं लिखूंगा, और 07 भी लिख के क्या करना है? तो 7 आगे तो लिख दूं, लास्ट में 2 डिजिट लिखते हैं। प्लस मंथ क्या है? अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या है? 0 0 लिख दो। प्लस सेंचुरी क्या है? 2000 बोल रहा है ना, 2000, तो 2000 की क्या है? 6। प्लस लीप ईयर कितने पड़े होंगे ऐसे ही बता दो। 2000 जब स्टार्ट हुई भी होगी, तो एक बार 2004 में पढ़ाएगा, अगली बार 2008 में पढ़ने वाला था, उससे पहले भाई साहब ने जन्म ले लिया, तो कितने बचे? एक ही आया ना, तो 2007 बन लीप ईयर पड़ा। ठीक है, सबको सम कर दो, 7 से डिवाइड करना है। 10 7 70 17 और 1 18 18 और 6 कितने होंगे? 24 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, तो हमें इधर डिवाइड से मतलब नहीं, बच कितना रहा है ऐसे ही करके दिखा दो, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। 24 को डिवाइड करा 7 से, 7 3 जा
21 बस क्या रहा 3 बस रहा 3 क्या है चेक कर लो ना ट्यूसडे सही सही ठीक है ट्यूसडे था उस दिन ठीक है निकाल